वेलकम टू रेडार डेली अपडेट। आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरा नाम है सुमित, चलिए शुरू करते हैं। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक को फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में सबसे ऊपर रखा है, और दूसरे नंबर पर ICIC बैंक। अब HDFC बैंक आया है, इसके बारे में जानते हैं। इसके संस्थापक हैं बिंदु वर्दीज, इसके CEO हैं आदित्य पुरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1994, और इसका मुख्यालय मुंबई। HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MMC ने किसे आजीविका सदस्य बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त दोनों, इजमाम उल हक और मार्क ब्राउच। इजमाम उल हक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और मार्क ब्राउच दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। इन दोनों को MMC मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने इनको आजीविका सदस्य बनाया है। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1787 में। पहले क्रिकेट गेम्स यही करवाता था, अब ICC करवाती है। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदीप चौबे का निधन हो गया है, वह क्या थे? इस क्वेश्चन का आंसर है कवि। वह एक हिंदी कवि थे जिनका 12 अप्रैल को निधन हो गया है। ये है प्रदीप चौबे। एक बार मुझे गाने का शौक चढ़ रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने पूछा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज हमारा सपरिवार सोने का प्रोग्राम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 13 अप्रैल तक क्या मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व एलर्जी सप्ताह। 7 से 13 अप्रैल तक WAO ने, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 बनाया है। इसका विषय है खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खोजा गया स्पेक्ट्रोमीटर क्या पता लगाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है खतरनाक रासायनिक। खतरनाक रासायन का पता लगाता है, यह है स्पेक्ट्रोमीटर। यह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विनकॉन्सियंस मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने बनाया है, जिसका उपयोग खतरनाक रासायनों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार के डिजिटल स्कून के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, और ये 128वीं जयंती थी जो कल हुई थी। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोलुजोनेसिस नामक पूर्व मानव प्रजाति की पहचान हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है फिलीपींस में। फिलीपींस में वैज्ञानिकों ने को 13 हड्डी और कुछ दांत मिले हैं, जिससे उन्हें होमोलुजोनेसिस नामक पूर्व मानव जाति की पहचान की है। अभी फिलीपींस आया है, फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस की मुद्रा है फिलिपिनी पैसो, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस NSMD कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 2019 का विषय क्या है? मिडवाइफ्स ऑफ मदर्स, गर्भवती महिला को उचित स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आने वाले यात्री का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है स्टोक केली। स्टोक केली 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर आया है। इसका भाई मार्क केली और स्टोक केली दोनों का मेडिकल हुआ, और इनसे पता चला कि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आया है, इसके बारे में जानते हैं। यह हमारे पृथ्वी कक्ष के 408 किलोमीटर ऊंचाई पर है। इसकी गति है 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह एक शोध स्थल है जो पृथ्वी के निकटतम कक्ष में स्थापित किया गया है। इसको बनाने का आरंभ 1998 में शुरू हो गया था, और ये 2011 में बनकर तैयार हो गए। यह मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा उपग्रह है।
आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।